भले ही प्रदेश में 15 साल से काबिज सरकार हो या केंद्र सरकार गोवंश को बचाने की लाख दलीलें देती हो, भले करोड़ों इनके संरक्षण में कागज में पैसे पानी की तरह बहा देती हो, लेकिन जो देखने को मिल रहा है इतना भयावह है कि आप इनके दर्द को महसूस कर लें तो मन व्यथित हो जाएगा। सही ये है कि सरकार से आने वाली करोड़ों की धनराशि सही हाथों तक नहीं पहुंच रही। सूत्रों की माने तो देहात में शहरी क्षेत्र से सड़कों से जानवरों की भीड़ कम करने निगम प्रशासन और असामाजिक तत्व इन्हें सुनसान गांवों में छोड़कर जा रहे हैं, नहर में गिरा रहे हैं, अपनी बला टालने ट्रकों से ढुलाई कर रात के अंधेरे में इन मूक गोवंशों को चोरी चुपके गिरा देने का सिलसिला चल रहा है। जो नहर से बाहर है उनसे किसान परेशान है, जिससे किसान अन्नदाता एक अलग संकट से गुजर रहे हैं। उसे रात रात भर जागकर अपने खेत की फसल बचानी पड़ रही है। हाल ही में एक ऐसा वाकया सतना जिले के रामपुर तहसील के बकिया गांव के पास बकिया बंधा के करीब देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में गोवंश को नहरों में ढकेल कर तड़पता छोड़ गए। लाखों करोड़ों रुपए गो सेवकों के नाम पर सरकार के खजाने में से पैसा डकारने वाले संगठन और समितियां मूक दर्शक बनी बैठी हैं। वहीं कुछ तो चिंतक हैं, वो उन्हें तड़पता नहीं देख पा रहे हैं। दयावान और अच्छे लोग तिल तिल मरती गोवंश को तड़पता देख बचाने में भी लगे हैं। उसका भी एक दृश्य देखने को मिला। दोपहर की तपन में सीमेंट की नहर की फर्श और दोनों तरफ बाहर ना देख सकने जैसी ऊंची नहर की दीवारें और उसके बीच भूखी प्यासी सूखी नहरों में तड़प के मरने को मजबूर गोवंश, जिसके सहारे सत्ता तक पहुंचे हिंदूवादी सरकार और उसके मुखिया मामा भूल गए। इनकी तड़पन को देख व्यवस्थित मन यही कह सकता है, तड़पने से तो अच्छा था एक झटके में स्लॉटर हाउस में इनका कट जाना। सतना से मुकेश पांडे के साथ रवि प्रताप सिंह की रिपोर्ट।